हेलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे एल्विस जादव के एक दोगलापंती के बारे में जो अपने फैंस के साथ वो कर रहे हैं। एल्विस जादव ने अपना एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, बहुत लोग जानते होंगे, एल ग्रोथ करके। वहां पे करीब 43 लाख लोग उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किए हुए हैं, जहां पे एल्विस जादव उन सभी को स्टॉक टिप प्रोवाइड करते हैं कि आप इस कंपनी के शेयर को परचेस कर लो तो पैसा बढ़ जाएगा। पर समझने की बात यह है कि एल्विस जादव आके इंटरव्यू देते हैं कि उनका जो 99% जो टिप है वो राइट बैठता है। तो भाई एक बात बता दी, आपका 99% जो टिप है वो राइट बैठता है तो आपको तो इंडिया का गवर्नमेंट पकड़ना चाहिए था। कभी तो राकेश झुंझुनवाला का झगड़ा लेना चाहिए था। रेरा एंटरप्राइज से सबसे बड़ा कंपनी बन जाता आपका, उससे बड़ा कंपनी होता जब आपका 99% जो आपका टिप सही होता। और स्टॉक मार्केट में 99% राइट कोई नहीं होता। बहुत सारी कंपनियां हैं जो बताते हैं कि मैंने इतना मैं खरीदा था, इतना बढ़ गया है। तो भाई ऐसा मेरे पोर्टफोलियो में बहुत सारा है, तो मैं आके क्या हल्ला करूंगा? मुझे ही पता है कि एक कंपनी में प्रॉफिट होगा तो अगले कंपनी में लॉस हो सकता है। हर ट्रेड सक्सेसफुल नहीं होता है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो भी करते हैं तो भाई खुद को इनको पता नहीं होगा। यदि मैं इनको कंपनी का एनालिसिस करने दे दूं ना तो इनका फट जाएगा। एल्विस यादव का कंपनी का एनालिसिस करने बैठे ना तो इनका फट के निकल जाएगा। इनको कंपनी के बारे में कुछ पता नहीं है। इन्होंने कंपनी से टाइप किया हुआ है प्रॉफिट आइडिया बोल के, जिनका एल्विस यादव से पार्टनरशिप है। अब जो प्रॉफिट जो होता है ना वो हाफ ये कंपनी लेती है, हाफ एल्विस यादव लेते हैं, और जो बाकी जो भी काम है ये दोनों मिलके करते हैं। अब बहुत सारी की जो फैंस है जो इस चैनल को ज्वाइन किए हुए हैं, जो प्रीमियम के तौर पर 2,000 रुपया दे रहे हैं मंथली, यदि 2% फैंस ने भी लिया है ना तो भाई 56 लाख रुपीज हो जाता है। और 10% लिया हो तो 2 करोड़ रुपया महीने का जो इस फैन से ये कमा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हो रहा है बट इनको कोई परवाह नहीं है। ये बोलेंगे कि भाई स्टॉक मार्केट है, नुकसान हो सकता है, मानता हूं हो सकता है, बट आपको कभी भी ये नहीं बताना है ना कि भाई ये शेयर को ले लो, वो शेयर को ले लो। भाई उनको खुद रिसर्च करने दो। आपको फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर तो हो नहीं, आपको सीए नहीं हो, आपको कोई फाइनेंस रिगार्डिंग कोई वीडियो नहीं है, आपको कोई फाइनेंस में कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, आपने कभी कंपनी का डीप एनालिसिस किया ही नहीं है, आप पता ही नहीं होता है। अब आगे ज्ञान बक दे रहे हो, आपके जो कुछ फैंस लोग है, सो कॉल्ड फैंस है जो बहुत आपसे प्यार करते हैं, वो लोग आपको देख के ना आपको फॉलो करते हैं और उस शेयर को परचेस कर लेते हैं, और उनको लगता है कि भाई एल्विस यादव भाई भाई पैसा बना रहे तो मैं भी कुछ बना लूंगा। और बहुत सारे जो फैंस होते हैं उनको बहुत पैसा नहीं होता है, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये होता है। तो भाई मैं उन फैंस से बोलना चाहूंगा कि 10-15 हजार से सोचते हो कि आप करोड़पति बन जाओगे स्टॉक मार्केट में, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। कंपाउंडिंग होता है बट कंपाउंडिंग में 10,000 से कंपाउंडिंग 20,000 से 1 लाख रुपए से कंपाउंडिंग करोगे ना तो बहुत टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो शेयर को लॉन्ग टर्म तक तो होल्ड कर सकते हैं। आप लैंड को होल्ड कर लोगे बट शेयर को होल्ड नहीं कर पाओगे, उतना आपके अंदर पेशेंस चाहिए। मैं उन लोगों से कहूंगा कि भाई आपको यदि कुछ शेयर खरीदना है ना, पैसा बढ़ाना है स्टॉक मार्केट से, अपने रिसर्च के ऊपर काम करो, अपने नॉलेज के ऊपर काम करो, खुद का डिसीजन लो, दूसरे के डिसीजन पे काम मत करो। शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि एल्विस यादव जो शेयर को आपको बता रहे हो, जिस प्राइस में खरीदने बोल रहे हो, उसे वो बहुत पहले कम प्राइस पे खरीद के बैठे हो, और आप लोग उस शेयर को खरीद रहे हो ना, उस शेयर में वॉल्यूम आ रहा है और उस शेयर का प्राइस बढ़ रहा है आर्टिफिशियली। एल्विस यादव उस शेयर को आपके ऊपर डंप करने से पैसा भी कमा रहे होंगे और सब्सक्रिप्शन से भी कमा रहे होंगे। 99% जो लोग बोल रहे ना इसमें पैसा कमा रहा हर कोई, तुम्हें गारंटी के साथ के देता हूं। देखो 10% ऐसे लोग होंगे शायद कुछ कमा भी रहे होंगे उनके टिप से, बट 90% जो लोग है ना, 90% में 95% जो लोग है ना वो अपना पैसा और गवा ही रहे होंगे। ये जो लोग खरीदे हैं वो शायद मेरी बातों से रिलेट कर पाए। और जो एडिस यादव के जो सटर फैन लोग हैं जो इस वीडियो को देना बहुत गाली देने वाले हैं, तो भाई जो देना है दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बट ये वीडियोस मैं आपकी भलाई के लिए बनाया हूं, तो भाई इस चीज को समझो और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करो। किसी का फैन मत बनो, ना मेरे फैन बनो ना एल्विस यादव का फैन बनो, खुद के फैन रहो, अपने नॉलेज के ऊपर काम करो, हर चीज सीखो बट डिसीजन खुद का लो। मैं